हाय गाइस, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक कोर्स शुरू किया था। आज हम लोग उसी कोर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर को किस तरह से बाइफर्केट करते हैं। आज उसी में सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक दो एग्जाम्पल, मान लीजिए हम सिलिकॉन पे या जमीनी पे इसके अच्छे से एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना। तो बेसिकली मोस्ट वाइडली यूज जो हमारे पास एटम होता है दैट इज सिलिकॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका बनाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, ठीक। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो इस तरह से ये होगा हमारा 3s और ये होगा हमारा 3p। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए हमारे पास एक वेपर फॉर्म में हमारे पास सिलिकॉन है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस सिलिकॉन वेपर को हम धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से। दैट मीन्स हम उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है उसको डिक्रीज कर रहे हैं इस तरह से। इस तरफ को हम अपना डिक्रीज कर रहे हैं, यानी इस तरफ सेपरेशन इंक्रीज होगा, ठीक। और इस तरफ को एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, एनर्जी ई, ठीक। तो अगर हम बात करें जिसका मिनट, अगर हम धीरे धीरे इनके बीच का एंटरऑटमिक सेपरेशन डिक्रीज करते हैं तो एटम्स आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं। दैट मीन्स ये जो एस जो हमारी एनर्जी लेवल होता है और जो पी एनर्जी लेवल होता है, ये एस सेल और पी सेल आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगते हैं और मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो किस तरह से होता है, जैसे जैसे हम इनका सेपरेशन डिक्रीज करते हैं तो कुछ इस तरह से आपस में मर्ज होते हैं और नए एनर्जी लेवल्स या बोल सकते हैं नए एनर्जी बैंड्स का ये क्रिएशन करते हैं इस तरह से। ये हमारे स्प्लिट होते हैं बैंड्स में, ठीक। टोटल हमारे पास यहाँ पे होती है एक एस लेवल में 2 स्टेट्स, यानी एन एटम्स के लिए यहाँ पे होती है 2n स्टेट्स, ठीक। और यहाँ पे होती है हमारी 6n स्टेट्स, ठीक। टोटल 8n स्टेट्स वो इनमें बढ़ जाती है, यानी इसमें 4n स्टेट्स और इसमें 4n स्टेट्स। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बाद का केस है, ठीक। ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड और ये होता है हमारा, सॉरी उल्टा बोल गया, ये होता है हमारा वैलेंस बैंड और ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड। और क्लियर, ये जो सेपरेशन इनके बीच का, ये हमारा फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। और क्लियर, दैट मीन्स हमारे पास एस और पी आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उसके बाद में कंडक्शन लेवल और वैलेंस लेवल, सॉरी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर्म करते हैं। उनके बीच के सेपरेशन को हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं। यहाँ पे हमारे 4n स्टेट्स होते हैं और यहाँ पर हमारे सॉरी 4n स्टेट्स होते हैं, 4n स्टेट्स। ऑल क्लियर, देखो ध्यान से, ठीक, इसको उतार लो। अब अगर अपन बात करें कि ये तो बात हो गई किस तरह से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड को इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक, ये हम लोगों ने जो बात करी थी सिलिकॉन के लिए बात करी थी, और यहाँ पे हम एक मान लीजिए आपके पास एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होगा वो आपका दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका इंट्रिंसिक और एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक, ठीक।
इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर होता है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग क्या होती है? डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इज द प्रोसेस इन विच वी मिक्स द इम्प्योरिटीज इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर, दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, डोपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। तो डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी हमारा इंट्रिंसिक सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर दैट मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बात अपने को समझ आती है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम इस तरह से बात करते हैं कि मान लीजिए ये हमारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट मींस इसमें कंडक्शन इजीली नहीं होता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें कंडक्शन इजीली नहीं होता है, ये हमारे पूरा प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में बिजी होते हैं। चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में बिजी होते हैं इस तरह से। ठीक है, बट डोप्ड सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। किस तरह की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं? दो तरह की इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं। एक इम्प्योरिटी वो हो सकती है जो हमारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, ठीक, और दूसरी इंप्योरिटी हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हो सकती है। ठीक, देखो ध्यान से, ठीक है, तो एक हमारी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी और दूसरी हमारी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब वो इंप्योरिटी जिसके की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो पांच हो और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो वो तीन हो। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्राइवेलेंट के लिए तो अच्छा सा एग्जांपल एल्यूमिनियम हमारा ट्राइवेलेंट होता है, और पेंटावेलेंट के लिए बात करें तो फॉस्फोरस। दैट मीन्स इस टाइप के अगर इंप्योरिटीज मिली दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट अगर मिलाते हैं तो उसमें होता क्या है, अगर हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी दैट मीन्स उसमें तीन हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन के लिए खाली होगी। वो खाली जगह को हम बोलते हैं क्वार्टर, या इंग्लिश में बोलते हैं होल। होल, ठीक, होल क्या होता है बेसिकली? होल इज द एम्प्टी स्पेस, होल इज द एम्प्टी स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक, अगली चीज एल्यूमिनियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक भाई, इसके बाद अगर हमारा होल वहां पे क्रिएट होता है दैट मींस वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जहां पे पेंटावेलेंट है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है, दैट मींस उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, सेमीकंडक्टर दो टाइप का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर, ये इसमें हमारा पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। ठीक, इसमें भी दो टाइप का, बेसिकली पेंटावेलेंट जो होगा हमारा उल्टा, हाँ सही, एन टाइप एंड ट्राइवेलेंट इज पी टाइप। नोट करो, ठीक। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो बताओ से, इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ठीक, मान लो हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी अगर देंगे तो यहां पे चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक, तो यहां पर जो जगह क्रिएट हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, होल, और यहां पहुंच जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली होता क्या है, यहां के इलेक्ट्रॉन्स भी, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी यहां पे आके
इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल होता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो नंबर ऑफ जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपस में इक्वल होते हैं, क्लियर। और इनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है एनई इंटू एन एच, ये होता है एन आई स्क्वायर के बराबर। जहाँ एन आई क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। नोट कर लो इसको। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्सट्रिंसिक पे आने से पहले एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मी फंक्शन। व्हाट इज फर्मी फंक्शन? बेसिकली फर्मी फंक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो एफ ई इज इक्वल टू 1 बाई ई रेस टू पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी प्लस 1। अगर आपने सेमी कंडक्ट सॉरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कोर्स अटेंड किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारा यही एक फॉर्मूला आया था एफ ई का, अगर आपको याद हो तो। दिस इज कॉल्ड फर्मी फंक्शन। फर्मी फंक्शन क्या होता है, दिस टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दिस टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर स्टेट्स। ठीक, अगर हम बात करें t इज इक्वल टू जीरो के लिए, t इज इक्वल टू जीरो केल्विन पे, t इज इक्वल टू जीरो केल्विन पे ये हमारा टर्म हो जाएगा जीरो, यानी e रेस टू पावर जीरो दैट मीन्स वन, e रेस टू पावर जीरो मीन्स वन, सही बोलो ना, सॉरी ये इंफिनिटी, सॉरी 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 इंफिनिटी, दैट मीन्स अगर हम इसको ड्रॉ करें, इसको हम ड्रॉ करें, इधर हम एनर्जी ड्रॉ करेंगे और इस तरफ हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे, पूरा फंक्शन। ठीक, तो मान लीजिए यहां पर हमारी फर्मी एनर्जी ई एफ है। ठीक, तो इफ व्हेन ई इज ग्रेटर देन ई एफ दैट मींस दिस इंफिनिटी विल बी दिस इंफिनिटी, अगर ई इज ग्रेटर देन ई एफ की बात करें दैट मीन दिस विल बी इंफिनिटी एंड इंफिनिटी प्लस वन इज इंफिनिटी एंड दिस 1 by infinity is 0. That means अगर हम EF से आगे जाएंगे, that means this function will 0. This function will 0. ठीक? अगर हम E is less than के लिए बात, E is less than EF के लिए बात करें, तो ये हमारा negative infinity होगा. Negative infinity means 0. तो 0 plus 1, 1. यानी 1 by 1 is 1. तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही हम E is greater than EF की बात करते हैं, this function will become 1. ठीक, तो ये होता है हमारा फर्मी फंक्शन का डायग्राम ग्राफ। ठीक, जब हम बात करते हैं E is less than EF की, यानी फर्मी लेवल से नीचे की एनर्जीज के लिए, तो ये फंक्शन हमारा 1 होगा, और फर्मी फंक्शन से ऊपर की एनर्जी के लिए हम बात करें तो ये फंक्शन हमारा 0 होगा। ऑल क्लियर? अगर हम t is equal to 0 के पे बात ना करके t is equal to not equal to 0 के लिए बात करें, t is not equal to 0 के लिए, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये फंक्शन ऊपर तो कुछ इसी तरह से चलेगा, ऊपर कुछ इसी तरह से चलेगा, और ये मान लीजिए ई एफ था हमारा। ठीक, तो यहां भी कुछ इस तरह से होगा, बट हमारी फर्मी एनर्जी के पास में ये फंक्शन कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ई एफ है एनर्जी फंक्शन जो सॉरी हमारा जो फर्मी एनर्जी है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। वहां पे क्या था, यहाँ पे जीरो डायरेक्ट वन, इसमें क्या है डायरेक्ट जीरो टू वन नहीं है, बीच में भी पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, यानी बीच में पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ही, हमारा इधर की तरफ एफ ई और ये हमारा एनर्जी। बातें क्लियर है यहां तक? इसको नोट करो।
अब इसमें फाइनली हम आज बात करने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी हमारा दो टाइप का है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इससे एक्सट्रिंसिक बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते फॉर्मली फंक्शन। अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जो फॉर्मली फंक्शन हम लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1 बाई ई रेस टू पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 है। ये था ना, यानी अगर हम बात करें कि व्हेन ई इज इक्वल टू ई एफ कि अगर हम फर्मी लेवल की एनर्जी की बात करें, दैट मींस ई इज इक्वल टू ई एफ रखेंगे, दैट मींस दिस टर्म विल बिकम जीरो, दैट मींस दिस टर्म विल बिकम 1 एंड 1 प्लस 1 यानी 2 यानी 1 बाई 2 यानी एफ कितना आ जाएगा 1 बाई 2। यानी फर्मी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और वो मिड में पाया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये था हमारा वैलेंस बैंड, ये था हमारा कंडक्शन बैंड और इसके मिड में कहीं पर यहां पर ये होगा हमारा फर्मी एनर्जी ई एफ, ठीक है ना। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक के लिए। एक्सट्रिंसिक के लिए पहले बात कर लेते किस टाइप कितने टाइप के थे, ज्यादा बातें बढ़ाते नहीं है, सिंपल से बात कर देते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो टाइप के थे, एक था हमारा पी टाइप और एक था हमारा एन टाइप। पी टाइप में जब हम इम्प्योरिटी में डाल रहे थे ट्राई वैलेंट, तो हमारा बना था पी टाइप, यानी उसमें एक होल होगा एक एटम में, और इसमें क्या था सॉरी एक हमारी जो इम्प्योरिटी मिला रहे, और जो एन टाइप था वो कब बन रहा था, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे थे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये था हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की अगर बात करें तो हमने बताया था फॉस्फोरस हम लोग बात करे थे, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की बात करें तो हम लोग एल्यूमिनियम बात करे थे। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, पक्का? चले तो ये बात हो गई हमारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बात, तो इसमें काफी ज्यादा डीप में भी जाकर करी जा सकती है, बट सिलेबस को थोड़ा जल्दी से कवर करते हुए जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतनी डीप में अपन बातें करेंगे, उसके आगे का ज्यादा कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है अपन सिर्फ उतनी बातें करेंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और शेयर कर देना वीडियो को दोस्तों के साथ। शेयर करने से उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, दुआएं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट में बताना कि अगर इस टॉपिक में आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मोस्टली आप में से सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे इस टॉपिक को। अपन कोर्स की शुरुआत में अगर ये टॉपिक कवर नहीं करेंगे तो फिर कोर्स थोड़ा सा अधूरा सा समझ आएगा, इस तरह से इन टॉपिक्स को कराना ज़रूरी है, वरना अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल से भी शुरू कर सकते थे, बट ये लेवल पढ़ाना हम लोगों की थोड़ी सी मजबूरी थी। अब अगले लेक्चर में सेमीकंडक्टर में अगर कुछ बचता है या आपको समझाने लायक होगा तो मैं आपको और थोड़ा सा समझा दूंगा। इसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से आपको थोड़ी सी मजा आनी कुछ ज़्यादा शुरू होगी, हालांकि ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग ही चीज़ें थी अभी तक जो हम लोग पढ़े। अब आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।